हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल. रेमिका हियर, एज यू नो दैट. कैसे हैं आप लोग? ये जो डिज़ाइन है, ये मैं हेरिंग बोन डिज़ाइन, यहाँ पे आपको डिस्प्ले दिख रहा होगा. ये जो डिज़ाइन है, बेसिकली मैं एक क्या कहते हैं उसको, एक व्यूअर है, उनके रिक्वायरमेंट पे, उनके उनके लिए बेसिकली मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ. उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था फॉर दिस डिज़ाइन. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिज़ाइन विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम. सो ये जो बॉक्सेस मैंने बनाए हैं, 4 बाय, वन सेकेंड, आई विल टेक अ बिग वन. यस, 4 बाय 16 का मेरा ये बेसिकली डिज़ाइन है. इस डिज़ाइन को मैंने करना कैसे है, तो सबसे पहले हैरिंग बोन जो है, आप सबको पता होगा व्हाट इज़ हैरिंग बोन. तो हैरिंग बोन इज़ अ नथिंग, इट इज़ अ वी, इट्स रिवर्सिबल, सिमिलर लाइक द पॉइंटेड ट्विल, बट इट्स नॉट द पॉइंटेड ट्विल्स. इन दिस पॉइंटेड ट्विल्स हैव यू सी दैट काइंड ऑफ इफेक्ट, बट इन द हैरिंग बोन आपको ऐसे ब्रोकन इफेक्ट देखने को मिलता है. दैट्स वाई वी कैन कॉल इट्स अ ब्रोकन वीव भी हम उसको बोलते हैं. आप एग्जाम में भी कभी कभी आ जाता है कि वॉट इज़ अ ब्रोकन वीव. द ब्रोकन वीव इज़ अ नथिंग, इज़ अ हैरिंग बोन वीव, राइट? और इट्स व्हाट यू से, इट्स लुक लाइक द स्ट्राइप इफेक्ट. इट्स व्हेन यू कंस्ट्रक्ट द प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल वी कंस्ट्रक्ट ड्रेसेस, वी कंस्ट्रक्ट एनी फैब्रिक ऑल्सो, इट्स गिव लाइक द दैट काइंड ऑफ स्ट्राइप काइंड ऑफ इफेक्ट, ब्रोकन इफेक्ट आपको पूरे के पूरे फैब्रिक पे आपको देखने को मिलेगा. ओके, सो व्हाट इज दिस? इन दिस मैंने सबसे पहले 4 बाय 16 का मैंने बॉक्सेस लिया है ना. अब मैं इस 4 बाय 16 में आपको, आपको 4 बाय 16 आपको क्या दिख रहा है, तो ये जो है बेसिकली इवन नंबर है, और इवन नंबर है. यस, इस वजह से मैं इसमें 2 बाय 2 का वीव मूव करूंगी. अगर मैं 3 बाय 3 का इसमें वीव मूव करती हूँ, तो मेरे पास बॉक्सेस लिमिटेड हैं, तो 3 बाय 3 के वीव्स नहीं बन पाएगा इसमें. उसके लिए मुझे 6 बाय 16 12 का वीव बॉक्सेस लेना पड़ेगा, देन मैं उसके अंदर 3 बाय 3 का वीव मूव करूंगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो इसमें मैंने आपको दिख रहा होगा एक बॉक्स है, इस बॉक्स को मैंने 4 सेक्शंस में डिवाइड कर देना है आपको, जिसके लिए आपको इजी हो जाएगा. तो 4 4 के आप सेट बना लो आप डिज़ाइन बनाने के लिए. तो फॉर एग्जांपल ये 1 2 4, ये 5 2 5 2 8, राइट? और ये नेक्स्ट वन इज़ अ 9 2 12 एंड 12 2 16, राइट? और वन सेकेंड, दिस इज 4 और 3, ठीक है, राइट? सो इसमें मैंने क्या कर रखा है, इस डिज़ाइन में आप देखो, इस डिज़ाइन के अंदर मैंने 2 अप 2 डाउन मूव कर रखा है, देन 1 स्किप 2 अप 2 डाउन, देन 2 स्किप 2 अप 2 डाउन. जैसे सिंपल आप 12 वेव मूव करते हो, 2 अप 2 डाउन, देन 1 छोड़ के 2 अप 2 डाउन, 2 छोड़ के 2 अप 2 डाउन, देन 2 अप 2 डाउन, राइट? सेम आपको ये यहाँ मैंने बनाया है 2 अप अप डाउन, सेम मैंने ये चीज़ आपको दिख रहा होगा यहाँ मैंने बनाया है. इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ ऐसे, तो आपको दिख रहा होगा दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, ऐसे आपको ऐसे लाइंस दिख रही होगी, बट इस तरीके से हाफ ऑफ. तो अब आपको पूरा डिज़ाइन आप देखो, तो मेरा हाफ सेक्शन जो ये वाला सेक्शन है, दिस इज डन, राइट? दिस इज डन, करेक्ट? ओके, देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब इस सेक्शन में आपको क्या करना है, तो इस सेक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है. इसको आप सबसे पहले हाफ कर दो, तो हाफ मेरा हो गया. ऊपर में आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 मिनट. हाँ, ऊपर में सबसे पहले आपको क्या करना है, यस, सबसे पहले जब भी आप इस डिज़ाइन को बनाओगे, तो सबसे लोएस्ट नंबर यहाँ पे लिखना और सबसे हाईएस्ट नंबर यहाँ पे, और इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में और इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना. ऐसा क्यों करना, क्योंकि ये डिज़ाइन जब हम लोग ऐसे करेंगे, तभी हमारा ब्रोकन इफेक्ट डिज़ाइन देगा. अगर नंबर हो जाए मेरा डिफरेंट, अगर फॉर एग्जाम्पल ये 4 की जगह अगर 6 हो जाए, तो 6 में आप कैसे डिवाइड करोगे, तो आप लिखना सबसे पहले 6 में 1 2 3 4 5 6. तो 6 को बनाने के लिए सबसे पहले 3 वाला, यानी कि लोवेस्ट नंबर मैंने बोला था 1 पे लिखना, फिर यहाँ से इंक्रीजिंग हो जाएगा 2 3, और सबसे हाईएस्ट नंबर आपको यहाँ लिखना है, और यहाँ से आपका डिक्रीज शुरू हो जाएगा, राइट? 5 4, इस तरीके से आप इसको करके बना सकते हैं. ये डिज़ाइन मैं बाद में बताऊंगी, आप कमेंट करना आपको ये समझ में आया, देन आई विल गो विद दिस डिज़ाइन. फर्स्ट आप इसको समझ लो इसमें क्या करना है. देन वॉट एवर यू डू इन द फर्स्ट सेक्शंस, यू डू सेम थिंग हियर, राइट? इन द फर्स्ट सेक्शंस आपने ऐसे बनाया है, फिर 2 गैप छोड़ा है, फिर उसके बाद फिर आपने ऐसे डिज़ाइन बनाया. इन द सेकेंड वन आपने 1 स्किप किया है, फिर आपने 2 स्किप किया है, और इस तरीके से आपने डिज़ाइन बनाया, ठीक है? इन द फोर्थ वन व्हाट यू डिड, इन द फोर्थ वन आपने डिज़ाइन यहाँ से शुरू किया है, 2 स्किप किए हैं, ठीक है, 2 स्किप किए हैं, फिर हमारा डिज़ाइन कुछ ऐसे है, फिर 1 स्किप, और सॉरी, फिर 2 स्किप अगेन, और फिर यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है? डोंट कन्फ्यूज इट. सो इन द थर्ड वन व्हाट यू डिड गाइस, सो इन द थर्ड वन आप देख सकते हो, थर्ड वन में आपने किया है, पहले 2 स्किप किए हैं, 2 स्किप किए हैं,
फिर डिज़ाइन कुछ ऐसे बनाया है, फिर दो स्किप और फिर डिज़ाइन मेरा कुछ ऐसे। अब मैं, आप देख सकते हो इस डिज़ाइन के अंदर आपका जो ब्रोकन इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, कैसे ये देखो, ये आपको दिख रहा है ब्रोकन इफेक्ट। फिर आप इस साइड से देखो, इस साइड से यहाँ तक तो आपका ये वाला हो गया, ये दो हो गए। अब इस वाले बॉक्सेस में देखो, यहाँ से आप शुरू करो, ये आपका ब्रोकन इफेक्ट दिख रहा है। फिर यहाँ से ये देखो, ये ब्रोकन इफेक्ट दिख रहा है आपको। तो ये जो है आपका ब्रोकन इफेक्ट, आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ब्रोकन इफेक्ट जो है मैंने पहले यहाँ बताया था वो सेम है। और आपको पता है सबसे अमेजिंग चीज़, जो मैंने मार्क किया है ना वही ड्राफ्ट है इसका। सीरियसली मैं सच बता रही हूँ, आप देखो, करके देखो, आपको बहुत अमेजिंग आएगा, बहुत मज़ा आएगा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो 1 to 4, 5 to 9, सॉरी 5 to 8 एंड 9 and 10, राइट। देन उसके बाद देन व्हाट इज इट, 11 to 14, 11 to 14 एंड 15 and 16। सो सेम जो मैंने यहाँ पे आपको डिज़ाइन बनाया है ना ऐसे करके, आपको दिख रहा होगा ब्रोकन इफेक्ट दिखाने के लिए, सेम आपको यहाँ करना है। और सबसे एक और इजी ट्रिक, आपने जब आप जब डिज़ाइन ट्विल बनाते होगे तो ट्विल का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि ट्विल का जो ड्राफ्ट होता है ना बहुत सिंपल होता है, क्योंकि जो मोस्ट प्रोबेबली डिज़ाइन होते हैं ना उनके ड्राफ्ट स्ट्रेट होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली, ज़्यादा से ज़्यादातर। कुछ होते हैं जैसे पॉइंटेड हो गया, हेरिंग बॉन हो गया हमारा, कुछ जो इस तरीके के ड्राफ्ट होते हैं उसमें जो डिज़ाइन होता है वो ड्राफ्ट होता है वो हमारा स्ट्रेट नहीं होता है, बट मोस्ट प्रोबेबली द ड्राफ्ट वुड बी द स्ट्रेट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद इट। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेक विद द स्ट्रेट ड्राफ्ट। सो ये मेरा स्ट्रेट ड्राफ्ट है, राइट। इसके साथ भी मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी, ये मेरा स्ट्रेट ड्राफ्ट। अब मैं 9 से शुरू करती हूँ। 9 में मेरा यहाँ पे क्या है, ये वाला थ्रेड है, जस्ट स्किप विदाउट। एंड 11 में कहाँ है, 1 to 4, तो विदाउट किए हुए हम ऐसे फॉल कर देंगे। देन लास्ट वन इज लाइक दिस, बन गया ड्राफ्ट, है ना सिंपल। आपको मज़ा आया? सो आप कमेंट करना आपको कैसे समझ में आया, आपको अच्छा लगा कि नहीं। अब पैक प्लान की बात करते हैं। यार आपको पता है पैक प्लान क्यों बनाया जाता है? पैक प्लान ना पूरे डिज़ाइन को बताता है कि हमारी रिपीटेशन कितनी हुई है, यार क्या रिपीट हुआ है। बेसिकली उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ना वी ड्रॉ द पैक प्लान्स। आपको वहाँ समझ में आया? सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो इसमें रिपीटेशन मेरे कुछ नहीं है, इसमें रिपीटेशन सिर्फ मैंने ये रिपीटेशंस किया है, यानी कि अगर मैं देखूँ तो मेरा जो 2 by 2 का जो ये है, ये वाला जो पूरा का पूरा सेक्शंस है, इसको मैंने रिपीट किया है। तो सेम मैं वो चीज़ बना दूंगी, क्योंकि मैंने पूरे में सिर्फ यही यूज़ किया है, मतलब पूरे में सिर्फ 2 up 2 down यूज़ करके मैंने पूरा का पूरा ये डिज़ाइन डेवलप किया है, करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो यू हैव टू सी इट। डन, आया समझ में आपको? तो उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा हेरिंग बॉन है, ये डिज़ाइन बस इतना ही है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसमें सिर्फ आपको इसके अंदर सबसे पहले बॉक्स बनाना है 4 by 16 का, इसमें आपको 4 up 2 up 2 down चलाना है, क्योंकि मेरे ये 4 और 6 है। इसमें अगर मैं 3 up 3 up 3 up 3 down मूव करूंगी तो ये मेरा डिज़ाइन ब्रेक हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, इसमें वीव आएंगे ही नहीं, राइट। आप देख सकते हो 4 boxes में आप 3 up 3 down कैसे चला सकते हो, हैव यू गॉट इट। तो इसके अंदर हम 2 up 2 up 2 up and 2 down चलाएंगे, क्योंकि हमारे पास ओनली 4 boxes हैं। और 3 up 3 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो 3 up 3 डिज़ाइन चलाने के लिए मुझे जो है बॉक्सेस लेने पड़ेंगे 12, है ना। मुझे ये वाला लेना पड़ेगा 12, और अपर सेक्शन में लेना पड़ेगा 6, यानी कि 6 by 12 का जब डिज़ाइन मैं बनाऊंगी तब मेरा ये बनेगा। सो आपको होमवर्क है, अब 6 by 12 का आप डिज़ाइन ट्राई करो, और आप मुझे कमेंट करना इस चैनल में कि आपको ये डिज़ाइन समझ आया कि नहीं आया। और आपसे नहीं बनता है तो प्लीज़ आप ये भी कमेंट करना, मैं इस डिज़ाइन को भी आपको जल्दी ही बना के दिखाऊंगी 6 by 12 कैसे बनता है। तो हैव ए नाइस डे गाइज, एंड कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग, हैव अ गुड डे।